कि हार की डर से मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। क्यों निरहुआ ने छोड़ दी बीजेपी, साइकिल का कर रहे हैं प्रचार। जानिए आखिर क्या है इस वीडियो के पीछे की असली कहानी। वीडियो देखकर सीएम योगी भी पकड़ लेंगे अपना माथा। सोशल मीडिया पर आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बीजेपी को छोड़कर बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव साइकिल को वोट करने की बात कर रहे हैं। पहले आप वीडियो देखिए। हम बार बार की साइकिल के रफ्तार की बढ़ा डालो और साइकिल के रफ्तार तब बढ़ी जब पैडल तनी चाप के मरवा लो। बस फर्क इतना है कि पैडल की जगह मोहर मारा गया। जहाँ साइकिल का निशान मिला भैया, बस मोहर लगा डालो और साइकिल का रफ्तार अपने आप बढ़ जाएगी। तो आप लोग से यह निवेदन बा, यह प्रार्थना बा कि आप सब लोग भैया साथ दिया और जितना भी आपके प्रत्याशी हो। आपने वीडियो में सुना कि निरहुआ बोल रहे हैं, हम बार बार कह रहे साइकिल की रफ्तार बढ़ा दीजिए। साइकिल की रफ्तार तबे बढ़ी जब पैडल तनी चाप के मरवा लो। बस फर्क इतना है पैडल की जगह मोहर मारे के। जहां साइकिल के निशान मिले वहां मोहर लगा दिया लो, रफ्तार अपने आप बढ़ जाए। आप लोगों से ये निवेदन बा कि आप लोग भैया साथ दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई सपा से धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में, तो वहीं बीजेपी से इनके खिलाफ दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनावी मैदान में। वहीं बसपा से गुड्डू जमाली चुनावी मैदान में। अब इस वीडियो को देखने के बाद लोग अपना माथा पकड़ ले रहे हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी के सिंबल पर आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो साइकिल का प्रचार क्यों कर रहे हैं, जबकि अभी बीते दिनों दिनेश लाल यादव निरहुआ का प्रचार करने के लिए आम्रपाली दुबे आजमगढ़ में घूमती नजर आई थी और बीजेपी को वोट करने की अपील कर रही हैं। तो ये वीडियो कहां से आया, ये सवाल खड़ा हो रहा है। दरअसल ये वीडियो आज से लगभग 6 साल पुराना है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, जिसमें समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार सुषमा सोनकर पत्नी शिशिर सोनकर चुनावी मैदान में थे। कहा जाता है कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और सपा प्रत्याशी सुषमा सोनकर का पारिवारिक संबंध है, जिसके कारण भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ सपा का प्रचार करने गाजीपुर गए हुए थे। यही नहीं, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ अपने साथ बॉलीवुड की हसीना आम्रपाली दुबे को भी सपा के प्रचार में लगा दिए थे। ये बात तो सच है कि इस वीडियो में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो 6 साल पुराना है और आज दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी के प्रत्याशी हैं और सपा के खिलाफ जमकर आजमगढ़ में हमला बोल रहे हैं। अब ये आजमगढ़ के ऊपर है कि इस बार किस प्रत्याशी के सर पर आजमगढ़ का ताज रखते हैं। आपको क्या लगता है, दिनेश लाल यादव निरहुआ या फिर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी, गुड्डू जमाली बसपा, आजमगढ़ से सांसद कौन बनेगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो शेयर करें।